ला के एक ही बात कहते थे, डरो मत, डरो मत, डरो मत। जो आदमी दूसरों को कहता था डरो मत, खुद डर गया। तीखा सवाल आपसे कि अभी तक कागजी बादाम तो मैंने सुने थे, लेकिन कागजी शेर पहली बार सुना। देखिए अनुराग जी, राहुल गांधी रोज ये कहते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जब बैठक लेते थे उसमें भी कहते थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होती थी उसमें भी कहते थे, और राहुल गांधी जब जब पब्लिक को एड्रेस करते थे देश के किसी भी कोने में, तब तब चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कहते थे, डरो मत, डरो मत, डरो मत। जो आदमी दूसरों को कहता था डरो मत, खुद डर गया। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों अमेठी से पलायन क्यों? चुनाव जीतना हारना ये तो चलता रहता है। आपको अमेठी की जनता ने इतना प्यार दिया, आपके परिवार को इतना प्यार दिया, अमेठी के लोग कह रहे थे कि राहुल भैया आओ, आप यहाँ हमारे साथ रहो, लेकिन राहुल गांधी का ये फैसला निश्चित रूप से उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और देश की जनता एक क्रेडिबल लीडर चाहती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है उसी की एक्सेप्टेबिलिटी होती है। तो राहुल गांधी जी का जो आज का ये फैसला है, अमेठी छोड़ने का जो फैसला है, ये कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। ये बहुत गलत फैसला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट डिसीजन फॉर कांग्रेस पार्टी।